और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने स्वयं उसमें ये जोड़ दिया आगे कि जिन लोगों के मकान तोड़े या जिनके खिलाफ कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया, सबूत के साथ किया, सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो आपसे लेना चाहता हूं। एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से निंदात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले ही उसको कह रहे हैं ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस इशू को किसी ने किया तो मैंने किया है और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया आज तक। अगली सुन, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, दो हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? सामूहिक को तोड़ दोगे? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत है घर में और उसके घर के 10 सदस्य दूसरे हैं उस घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उन 10 को भी साथ के साथ उजाड़ दोगे? आप हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। ना तोड़ दोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन निरा रहे हो, कह रहे तोड़ देंगे। एक मिनट, मतलब आप इतना ताना छत्री का अपना अभय जी, एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। नहीं गलत नहीं, वही गलत नहीं बोला है। नहीं गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? बिल्कुल मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं। हाथ तोड़ेंगे क्या आप? सप्लीमेंट्री तोड़ देंगे क्या? सप्लीमेंट्री पूछिए तो इसमें अभी आप निकाल के देख लो मुख्यमंत्री जी का, कोई नहीं देख लेंगे। आप अपना एक्शन क्या है वो देख लो ना आप। सप्लीमेंट्री पूछिए। अब मैं सुप्लीमेंट्री पूछ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक्शन जो था मैं वो बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक गलत है तो नो ठीक है, तो नो को भी साथ रगड़ देंगे हम, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जवाब देता हूँ। देखिए दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि कोई घोर अपराधी है उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे उनको। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने फिर वही बात दोहराई है। आप सेकंड सप्लीमेंट्री है, आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछे तो राय नहीं है। सप्लीमेंट्री यहाँ लेक्चर बाजी नहीं करनी, भाषण नहीं करना, सिर्फ सप्लीमेंट्री सुनने नहीं आया किसी का। सप्लीमेंट्री मैं भी भाषण सुनने नहीं आया। आप नहीं सुनने आए तो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन का नहीं सुनने आया हूँ, दे दिया क्वेश्चन का, नहीं आया किसी का। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब चाहिए। सप्लीमेंट्री पूछा था मैंने, ये पूछा था हाउस के अंदर कि किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया और उसके घर के लोगों ने उसको दखल कर दिया, क्या देखिए क्या उस परिवार का मकान आपकी सरकार तोड़ेगी जिसको बेदखल कर रखा है? क्या उसका मकान भी आप जाकर के तोड़ दोगे? देखिए अगर ऐसी कोई घटना आपके पास है सरकार के ध्यान में लाइए आप। ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। हाँ तो सरकार जो कर रही है उन्होंने कहा कि हम ठीक कर रहे हैं, सरकार ने जवाब दे दिया आपको। किसी की बात सुन नहीं रहे हो, सरकार ने आपको जवाब दे दिया। सरकार की कमी है।
ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं जिनके ऊपर लोगों के बड़े बड़े मकान जिनका उस तस्करी से कोई संबंध नहीं है, कोई डिटेल है तो आप तोड़ दिए गए, कोई आपके पास डिटेल है क्या? मैं आपको एक चीज, कोई आपके पास डिटेल? अबे जी आप मेरी बात तो सुन ले, कोई डिटेल है क्या? डिटेल ही बता रहा हूँ। हाँ बताओ, डिटेल दे दो। आप अपने एसपी सरसा से पूछे, मैंने आपके एसपी सरसा के पास गंगा घाट के एक आदमी के मकान को तोड़ने का नोटिस दे दिया। मेरे पास पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर कह रहे, उन्होंने आकर के कहा कि ये मकान जिस आदमी का है, ये आदमी आज तक कभी इसके खिलाफ कोई FIR नहीं है, कभी ये नशे के मामले में सम्मिलित नहीं है, मेरे पड़ोस का गांव है। मैंने एसपी को टेलीफोन करके ये बात कही कि एसपी साहब आप पहले इसकी जानकारी ले लें, फिर ये नोटिस जो है इस पर कार्रवाई करें। एसपी ने बकायदा तौर पे उस नोटिस के ऊपर पता कराया। मैंने उसकी उस जो व्यक्ति जिसका मकान था, मैंने उसको कहा भी कोई तेरा मकान का सबूत तेरे पास है? वो कहने लगा मेरे पास मेरी इसकी जो है गिरदावरी है। तो मैं बोले कागज देकर के तू एसपी के पास चला जा और जाकर के एसपी को दिखा दे। पूरी पंचायत जाकर के एसपी को सारे कागजात दे जाकर के दिखा करके आई, उसके बावजूद जो है उसका मकान तोड़ दिया गया। केवल प्रशासन के दबाव में नहीं, ये दबाव जो है आपके ऊपर के जो मंत्री बैठे उनके दबाव की वजह से दिया बेचारे का। देखिए अगर क्या चाह रहा था